गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपका इंडियन थिंकर के पेपर से रिलेट है, क्योंकि हमने जो मतलब स्टार्टिंग की है मॉडर्नाइजेशन रिव्यू की, रेनेसा के बाद राजा राम मौर्य आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आपका आता है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जब भी हम बात करते हैं सामाजिक बुराइयों को उन्मूलन के लिए, उनको फिनिश करने की जब हम बात करते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, राजा राम मोहन राय हो गया, अम्बेडकर हो गया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, यानी आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे देश के प्रति कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पे पता लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बायोग्राफी की। तो नाम इनका गोपाल कृष्ण गोखले है, जन्म 9 मई 1966 कोतलुक जो रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, और पिता का नाम है कृष्णराव गोखले, माता सत्यभामा गोखले। शिक्षा इनकी थी 1884 में बम्बई में एल्फिस्टन्स कॉलेज से उन्होंने BA ऑनर्स यानी कि मैथ से उन्होंने कम्प्लीट किया था अपना जो एजुकेशन था, जो ग्रेजुएशन था। और उसके बाद इनकी वाइफ का नाम है सावित्री बाई। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे रखी, ताकि आपको पता होना चाहिए इनके फैमिली से कौन कौन मतलब इनके रिलेशन में हैं, कहाँ से इन्होंने मतलब एजुकेशन अचीव की है एक्सेट्रा। अब बात करते हैं यहाँ पे और भी बहुत कुछ जानने के लिए कि इनका जो निधन था, देखिए 1915 को उनका मतलब देहांत हो गया था। इसके बाद बात करते हैं अगर इनकी उपलब्धियों की, इनके अचीवमेंट की, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ये कहे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से भी एक माने जाते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी इनको बोला जाता है। तो इनकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, देखिए देश के प्रति इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हम मतलब उंगलियों पर नहीं गिन सकते हैं कि 1, 2, 3 कितने कॉन्ट्रीब्यूशन है, अनगिनत कॉन्ट्रीब्यूशन इनके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक थे, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, इनके सबसे एडल्ट जो लीडर थे। तो गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। एक बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी एक मतलब ऐसे लीडर रहे हैं जिन्होंने पूरे देश को अपने साथ लेकर के चला है, और ऐसे में उनके जो गुरु रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट और कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका अपने देश के प्रति होगा ये आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो राजनीतिक नेता होने के अलावा वह एक समाज सुधारक भी थे, और उन्होंने एक संस्था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जो आम लोगों के हितों के लिए, जो वेलफेयर के लिए वहाँ पर समर्पित थी। तो देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान बहुत ही मतलब वैल्यूबल है, बहुत अमूल्य, उसकी कोई वैल्यू मतलब उसकी कोई मतलब कोई प्राइस भी नहीं है, अगर हम यहाँ पे लगाएं कि उसकी कोई वैल्यू, तो मतलब अनबिलीवेबल। फिर बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले का जो जन्म हुआ था 9 मई 1866 को, जो बेसिक जानकारी हमने पहले आपको दे दी थी, तो इससे रिलेटेड और भी बेसिक नॉलेज है यहाँ पे जो आपको जाननी जरूरी है। 1866 को महाराष्ट्र के कोथापुर में हुआ था, और उनके पिता कृष्ण राव किसान थे, पर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र की मिट्टी कृषि के अनुकूल नहीं थी, और इस कारण वे कलर का काम करने पर मजबूर हो गए। उनकी माता बालबाई की एक साधारण महिला थी। गोखले ने अपने बड़े भाई के द्वारा आर्थिक सहायता से कोथापुर के राजाराम हाई स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वहाँ पर अचीव की। उसके बाद वह मुंबई चले गए, और 18 ईयर्स की यानी कि 18 साल की उनकी उम्र थी जब वे मुंबई में एल्फिस्टन कॉलेज से स्नातक की डिग्री उन्होंने प्राप्त, यानी कि ग्रेजुएशन उनकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। तो ग्रेजुएशन में उन्होंने, हमने बताया ग्रेजुएशन कहाँ से की थी, ऑनर्स में मैथ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। लाइफ समरी की बात करें तो स्टार्टिंग का जीवन की हम बात करते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोथापुर में, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया था, और आई थिंक सो ये दोबारा से मतलब मिसप्रिंट हो गया, दोबारा से यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो आगे हम बात करें कि गोखले ने अपने भाई की, यहाँ तक हमने बात कर दी थी कि वो मुंबई चले गए थे, उन्होंने मतलब जो उनके ग्रेजुएशन थे वो मुंबई में अपनी कंप्लीट की थी। फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले उस समय किसी भी भारतीय द्वारा पहली बार कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने वाले चंद लोगों में से एक थे, यानी कि उस समय पर ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी बात होती थी। आज के टाइम में तो हर बंदा आपको ग्रेजुएटेड मिल जाएगा, लेकिन उस समय पर ग्रेजुएशन होना, और वो भी मैथ जैसे सब्जेक्ट से या किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन्हें नवोदित भारतीय बौद्धिक समुदाय और पूरे भारतवर्ष में व्यापक रूप से सम्मानित किया गया। गोखले शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे, उनको अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छी नॉलेज थी, इसके कारण वो बिना किसी हिचकिचाहट और अत्यंत स्पष्टता के साथ अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाते थे। कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छे स्पीकर्स भी थे। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की, तो देखते हैं सर्वेंट ऑफ सोसाइटी उन्होंने कब बनाई, किसके लिए बनाई थी। सन 1905 में गोखले जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, तो वे राजनीतिक ताकत के चरम पर थे, यानी कि पॉलिटिकल जो पावर्स थी उसकी पीक पर थे वे, और इसी समय उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना की। इस स्थापना के पीछे उनका मत यह था, उनका जो टारगेट था वो ये कि भारतीय को शिक्षित कैसे किया जाए,
और गोखले के अनुसार, क्योंकि वो खुद एजुकेटेड हो चुके थे, खुद वो ग्रेजुएटेड हो चुके थे, बेसिकली उस समय पे ग्रेजुएशन होने एक बहुत बड़े सम्मान की बात होती है, तो वो चाहते थे कि देश का हर एक नागरिक वो शिक्षित कैसे किया जाए, तो उसको वो टारगेट करके उन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की। गोखले के अनुसार जब भारतीय शिक्षित होंगे तो वे अपने देश के समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझेंगे और उनका निर्वाह भली भांति करेंगे। उनके अनुसार तत्कालीन शिक्षण प्रणाली और इंडिया सिविल सर्विसेज भारतों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारतों का समर्पण संपूर्ण विकास हो सके और वे राजनीतिक शिक्षा ग्रहण कर सके। इस क्षेत्र में भी वो अपना पूरा योगदान देने में सक्षम थे जिसमें भारत को आज़ादी दिलाई जा सके। सोसाइटी ने कई स्कूल कॉलेज की स्थापना की। इनके द्वारा रात्रि में भी कक्षाएँ चलाई गई जाती थी और ताकि कार्यरत लोग जो दिन में काम करते थे, जिनके पास टाइम नहीं था एजुकेशन का लिए, वो रात को शिक्षा प्राप्त कर सके, एजुकेशन वो ले सके। बंग भंग का नेतृत्व उन्होंने किया था। फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, जो देश का, यानी कि अगर हम विश्व में डाइवर्जन की बात करें तो ये सबसे बड़ा डाइवर्जन कहा जाता है, जिसका यानी कि जिसने भारत को बहुत बड़े डाइवर्जन में लगा करके रख दिया। बोला जाए बंगाल का विभाजन सबसे बड़ा विभाजन बोला जाता है, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरे देश में बंग भंग का विरोध किया गया। बंगाल से लेकर के देश के अन्य हिस्सों में भी विदेश वस्तुएं की बहिष्कार, स्वदेशी का स्वीकार और जबरदस्त आंदोलन वहां पे चल पड़ा। एक तरफ जहां बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे गरम दल के नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, वहीं नरम दल की तरफ से भी गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अगुवाई की। और देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले केवल एक ऐसे लीडर थे जो नरम दल और गरम दल दोनों के बहुत ही चहेते थे, वो दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, दोनों के जो मेम्बर्स थे वहाँ पे। तो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के साथ ही देश में व्याप्त छुआछूत, जातिवाद, जो कास्ट सिस्टम है, जो करप्शंस हैं, जो टचबिलिटी है, इन टचबिलिटी है, वो उनके खिलाफ आंदोलन चला, उनके खिलाफ मूवमेंट चला, वो जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे। और गोखले की प्रेरणा से ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन किया। ये बहुत बड़ी बात है गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन महात्मा गांधी से पहले आता है और वो गुरु की तरह से वो काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके डैश रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो गोखले ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे वो पॉलिटिक्स में, और जिसमें उनके विदेशी यात्राएं, विदेशों में होने वाले आंदोलन, सुधार कार्यक्रमों में योगदान भी शामिल था। ये हम मानेंगे कि इंडिया के साथ साथ वो बाहर के जो फॉरेन में मूवमेंट उनके चले थे, क्योंकि फॉरेन में भी वो सोसाइटी को काफ़ी हद तक वो ठीक करना चाहते थे, जहाँ पर इंडियंस थे वहाँ पर वो ठीक करना चाहते थे। तो उसके साथ साथ वे स्वयं के द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कार्यों में और शिक्षण प्रणाली, एजुकेशन पॉलिसी हम के डेवलप में, उनके उत्थान के लिए, उनके ग्रोथ के लिए वो हमेशा कार्यरत रहे, हमेशा एक्टिव रहे। उनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुई और उस समय उनकी आयु थी मात्र 49 ईयर्स की थी, केवल 49 वर्ष की अवस्था में उनकी डेथ हो चुकी थी। उनके अंतिम संस्कार के समय उनकी आजीवन प्रतिवादी रहे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारत का हीरा महाराष्ट्र का आभूषण, श्रमिकों का राजकुमार, और यहाँ इस स्थान पर परालौकिक विश्राम ग्रहण कर रहा है, और उनकी और देखिए और उन्हें जैसा आचरण करने का प्रयास कीजिए। तो आज के जो टॉपिक था हमारा यही था कि हम जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है गोपाल कृष्ण गोखले से, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताएं। तो आज इस कंसेप्ट को यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा जो गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड जो भी इनके पॉलिटिक्स व्यूज़ हैं, जो सोशल व्यूज़ हैं, वो हम अगले कंसेप्ट में यहाँ पे क्लियर करेंगे। थैंक यू।